कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत 26 वर्षीय महिला के साथ रिश्तेदार द्वारा जबरन बलात्कार करने का मामला सामने आया। महिला ने कपिल नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद तहकीकात कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। पीड़ित महिला का पति ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो कि वो पिछले 4-5 दिनों से घर नहीं आया था और महिला के रिश्तेदार जो पड़ोस में ही रहते थे वो रेवा गए हुए थे और जो आरोपी है वो घर पर ही रुका था। फिरियादी महिला ने आरोपी को घर पर खाने के लिए बुलाया। महिला खाना खाने के बाद अपने सिलाई के काम में जुट गई। कोई आसपास नहीं था और इसका मौका देख आरोपी ने महिला पर जबरदस्ती करने का प्रयास किया और सिलाई मशीन पर पड़ी कैंची धौंस देकर धमकाया और बलात्कार किया, किंतु पीड़ित महिला ने हिम्मत कर अपने साथ हुई आपबीती की शिकायत कपिल नगर पुलिस थाने में की, परंतु जब तक पुलिस आरोपी तक पहुंचती तब तक आरोपी वहां से भाग चुका था। पुलिस ने अपनी छानबीन जारी रखी और आखिरकार वो आरोपी को पकड़ने में पुलिस 16 दिसंबर को कामयाब हुई। ऐसी जानकारी कपिल नगर पुलिस थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शेख द्वारा दी गई। फिलहाल आरोपी कपिल नगर पुलिस थाना में कैद है और आगे की कार्यवाही पुलिस कर रही है। मैं उत्तर शेख, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, कपिल नगर पुलिस स्टेशन। आमच्या हद्दीमध्ये दिनांक 6/12/2020 रोजी 11:30 वाजता सुमारास एक बलात्काराची घटना घडलेली आहे। त्याची थोडक्यात मी हकीकत सांगतो। दिनांक 6/12/2020 रोजी 11:30 सुमारास यातील जे पीडित आहे महिला 24 वर्षाची आहे, याचे पती जे आहे ते ट्रान्सपोर्टचं काम करतात, ट्रक ट्रान्सपोर्टचं। ते 4-5 दिवसापासून ट्रान्सपोर्टचा ट्रक घेऊन मुंबईला गेले होते। तसेच त्यांचे बाकी नातेवाईक जे आजूबाजूला राहतात ते सुद्धा ते लोक रेवाला गेले होते लग्नासाठी। त्याचे एक नातेवाईक जे आहे ज्याचे ते आरोपी आहे, वयस्कर आहेत, हे फक्त होते त्याच्या बाजूला राहायला ते। आणि ही जी महिला जी आहे, जी पीडित महिला, ती त्यांच्या बाजूला त्यांचं घर आहे, दोन्ही बाजूला राहतात। तर दिनांक 6/12/2020 रोजी सकाळी 10:30 सुमारास त्याने त्यांना जेवायला बोलवलं होतं। या फिर्यादीने आरोपीला जेवायला बोलवलं, कोणी नसल्यामुळे ते बोलले की म्हातारा माणूस आहे, त्यांना जेवायला वगैरे आपण घालूया म्हणून। तर त्यांना बोलवलं, तर त्याने 10:30 ते त्यांच्या घरी गेले। आरोपी फिर्यादीच्या घरी गेले, हॉलमध्ये बसून जेवले ते, टी व्ही पाहत होते। त्या थोड्या जेवढं संपल्यानंतर महिला जी आहे तोपर्यंत ती त्यांच्या बेडरूममध्ये जाऊन बसली होती आणि तिथे ती शिलाईचं काम करत होती स्वतःचं। जहाँ एक तरफ राज्य में शक्ति कानून लागू करने की तैयारी में सरकार है, वही दूसरी ओर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के शहर में आए दिन गुनहगारी, महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में इजाफा हो रहा है। अगर ये शक्ति कानून राज्य में लागू होता है तो क्या उपराजधानी में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लग पाएगा या नहीं, अब ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। इनबीसीएन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।